پلیز شور کیوں مچا رہے ہو سائلنس پلیز بات بند کرو کوئی نہیں اس کے سولوشنز اپلوڈ میں کروں گا اور کتنا بھی دوسرے بیچ کو بتا لو کتنا بھی جنہوں نے ٹیسٹ نہیں دیا آپ بتا لو کوشچن جا کے ڈھونڈ لو کل سیٹ پکا ہی چینج کروں گا ٹھیک کیونکہ ایسے تو پارشیلٹی ہو جائے گی نا کہ ان کو ایڈوانٹیج ہو جائے گا وہی دو چار کانسیپچوئل ہیں تو پورا سیٹ چینج کروں گا میں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ڈاپلرز افیکٹ لاسٹ ٹائم کیا تھا اینڈ ڈاپلرز افیکٹ پہ ایک دو نیومیریکلز ہم سالو کریں گے ابھی سائلنس پلیز اوکے کوشچن سالو کرو سائلنس کوشچن سالو کرو اور نیکسٹ ٹیسٹ کس چیز پہ گریویٹیشن جس کو جو جو ڈاؤٹ ہے مجھے میسج کر دے کل پھر سے 5:15 پہ کلاس ہوگی جو بھی ہوگا مطلب یہاں بیٹھے ہوں گے 5:15 سے لے کے 7:00 تک اور ایسی آج جیسے بھی ہوگا روز ڈیلی میں یہی کام کروں گا کچھ نہیں کرنا صرف اب سپورٹ سسٹم کا کام ہے جس کے جو ڈاؤٹ ہوں گے چاہے وہ آبجیکٹو ہوں گے سبجیکٹو ہوں گے جس کو جتنا یوز کرنا ہے آپ بس مجھے میسج کرو کہ مجھے یہ ٹائم چاہیے میں آپ کو ٹائم دوں گا ٹھیک ہے نا لیکن ریزلٹ اچھا پروڈیوس کر دے گا بس ٹھیک تو ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں ایک کوشچن ایک بار ٹرائی کرو بات کوئی نہیں کرے گا آنسر بتاؤ اس کا کیا ہوگا کتنا آنسر ہے 1:1 کتنے لوگ بولتے ہیں 1:1 آنسر ہے دیکھو سب سے پہلی چیز اگر ہم اس ویو کی ایکویشن کو دیکھیں اس میں جو ایمپلیٹیوڈ ہے ایمپلیٹیوڈ کی ویلیو کتنی ہے 10 اس میں اس کا ایمپلیٹیوڈ کتنا ہے 5 نہیں ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ 5 نہیں ہے بیکاز اس کو اگر ایکسپینڈ کرو گے تو y2 از ایکول ٹو 5 into sine of 3 pi t plus 5 root 3 cos 3 pi t ٹھیک ہو گیا یہاں تک میں نے ایک شارٹ کٹ بتایا تھا کہ اگر ان کے بیچ میں فیز ڈفرنس 90 ہے یاد ہے انڈر روٹ آف a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of 5 فیز ڈفرنس 90 ہے تو میں سیدھا شارٹ کٹ لگا سکتا ہوں انڈر روٹ آف 5 کا اسکوائر پلس 5 روٹ 3 کا اسکوائر جو کہ سالو کرنے سے پھر سے ویلیو کتنی آ رہی ہے 10 تو اس لیے ایمپلیٹیوڈ کی ریشیو کیا آئے گی 1:1 کلیئر ہے یہاں تک اوکے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں پھر اس کا آنسر کیا ہے آپ کو اس کی ویلوسٹی نکالنی ہے جلدی سے اس کی ویلوسٹی بتاؤ کیا ہوگی
स्टूडेंट है 18 ऑप्शन देख लो, सी ऑप्शन इज 49 डिवाइडेड बाय पाई, यही है। हाँ, देखो सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है 7। मैंने आपको बताया था कि इसमें x जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज y इज a साइन ऑफ व्हाट 2 पाई बाय लैम्डा इनटू vt माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है ना, यहां था कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, इसको कन्वर्ट करते हैं 7 साइन ऑफ, इसको नहीं टच करना, ये तो 5 है। इसमें से एक्स का कोफिशियंट 1 है, कॉमन निकाल लो 0.04 पाई कॉमन आ गया, क्या बच गया 7 डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू टी माइनस एक्स प्लस पाई डिवाइडेड बाई 3। सबको ये स्टेप क्लियर है? मैंने दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लिया, कितना 0.04 इंटू पाई कॉमन निकाल लिया। एनी डाउट? ठीक है ना, यहां तक इसको कंपेयर कर लें। मैं इसे कंपेयर करता हूं 2 पाई बाय लैम्डा और इसको, आई एम सॉरी इसको नहीं, 2 पाई बाय लैम्डा और इसको कंपेयर करते हैं तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा। पर आपको क्या निकालना है इसमें? बस फिर कुछ नहीं करना, फिर इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, इसको और इसको कंपेयर कर लो। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो v इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 0.04 आंसर आ गया 175। आंसर मेरा बिल्कुल ठीक था, 175 इसका मतलब। ठीक, तो ये चीज क्लियर है सबको, कैसे किया, कोई डाउट किसी को इसमें? कंपैरिजन क्लियर है? ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर क्या होगा। मैंने जो सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स इसमें गिवन है ना बुकलेट में, उसके सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं, मैंने अभी अपलोड किए थोड़ी देर पहले। तो जो भी इसके सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल असाइनमेंट है, वैसे तो जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मिलते जुलते ही हैं सारे, बस ये ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में है, वो सब्जेक्टिव की फॉर्म में है, आप उसको कंपेयर कर सकते हो, चेक कर सकते हो, उसको सॉल्व करना है आपने। देखो जरा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आइडल गैस एट टेम्परेचर T1 एंड T2 इज या आर होएगा V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। तो टेम्परेचर जब T1 एंड T2 है, तो साउंड की जो वेलोसिटी V1 V2 है जब टेम्परेचर T1 T2, और हमें मालूम है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, कैसे? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T। फॉर्मूला क्या होता है V का? अंडर रूट ऑफ, वो तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, मैं साउंड की वेलोसिटी बोल रहा हूं,
गामा आर टी बाय एम याद है, जो मैंने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर की क्लासिफिकेशन करवाई थी। फिर हमने दो चार अफेक्ट स्टडी किए थे कि डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम था, आप चेक कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। इतना तो याद है कि जो वेलोसिटी है वी, जो वी वेलोसिटी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी वन बाई टी टू, क्लियर है यहां तक। और अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल मूव करता है इसी कंटेनर में, तो उसकी मूव करने की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, आरएमएस स्पीड। जो आरएमएस स्पीड है वो फॉर्मूला 3 kT/m जो भी आप बोल रहे हो, इन द एंड जो आरएमएस स्पीड है लेट्स से वो सी है, सी का वेरिएशन भी टेम्परेचर के साथ बिल्कुल सेम है, वी का वेरिएशन भी सेम है और टी का वेरिएशन भी सेम है। इसका मतलब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू वॉट सी वन बाय सी टू, टेम्परेचर के साथ तो बिल्कुल डायरेक्ट सेम टू सेम रिलेशन है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू, ठीक है। तो आंसर निकाल लेगा जो भी आंसर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर हो गया था सॉल्व। फॉर्मूला क्या लगाया इसमें, कुछ नहीं आता, बस तुक्के ही मार रहे हो बैठ के। कितना अंडर रूट ऑफ, देखो अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड मास एम हैंग्स फ्रीली फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड, ठीक। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने काफी बार यूज किया, अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई एम। वेव का टेस्ट कब है, ग्रेविटेशन के बाद, चेक करो SHM और फिर वेव्स, ठीक है। अच्छा किया, जल्दी रख लिया, बहुत जरूरत है इसको याद करने की। अगर आपको तो ये भी नहीं पता कि वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ टी बाई एम होती है, टी फॉर टेंशन, एम इज मास पर यूनिट लेंथ, याद आ गया फॉर्मूला। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग अ स्ट्रिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द फ्री एंड, देखो ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये स्ट्रिंग वर्टिकल है कुछ ऐसे। तो फ्री एंड, जो भी इसका फ्री एंड है, फ्री एंड भी नीचे वाला एंड, तो यहां से मेरे को एक्स डिस्टेंस पे अगर कोई मुझे टेंशन टी बता दे एंड पूरी स्ट्रिंग का मास एम है, लेंथ एल है, तो मैं आंसर निकाल दूंगा। मतलब क्योंकि जब स्ट्रिंग का मास होता है तो टेंशन हर पॉइंट पर अपनी वैल्यू क्या करती है, चेंज। और मुझे जब एक्स डिस्टेंस पे जो भी टेंशन टी होगी मुझे उस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है। तो इसका मतलब मैं इसमें क्या करूंगा, फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, एक्स पॉइंट पर टेंशन क्या होगी,
बॉडी का वेट होगा और तो कुछ भी नहीं होगा। जो मैंने स्ट्रिंग बनाई थी, स्ट्रिंग की लेंथ मैंने यहाँ से यहाँ तक कितनी ली थी, x ली थी, और मैंने अभी बताया कि अगर लेंथ l है तो पूरा मास कितने m है, 1 है तो क्या लेना पड़ेगा, m डिवाइडेड बाई l लेना पड़ेगा, और अगर x है तो m डिवाइडेड बाई l इंटू x। ये इसका मास आ गया। तो इस पोर्शन का वेट क्या होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, g से, तो m बाई l इंटू x इंटू g। ये किसकी वैल्यू आ गई, टेंशन, क्योंकि जो भी स्ट्रिंग का वेट होगा उस पॉइंट पर x डिस्टेंस पर वही उसकी क्या होगी, टेंशन होगी, कोई डाउट किसी को इसमें। तो टेंशन की वैल्यू आ गई m बाई l इंटू x इंटू g। और डिनोमिनेटर में अभी हमने डिस्कस किया, डिनोमिनेटर में क्या होगा इसमें, ये तो टेंशन होगी, डिनोमिनेटर में मास पर यूनिट लेंथ, तो m बाई l की वैल्यू m बाई l की वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल, जो बचेगा। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ये समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चन करने। जिस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने को कहा गया वहां पर टेंशन चाहिए, वहां टेंशन आ गई, वेलोसिटी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट, नोट का मतलब क्या होता है, नोड एंटी नोड, बिल्कुल भी नहीं, मैं नोड एंटी नोड बोला, नोट बोला ना, नोड इज नॉट इक्वल टू नोट, नोड का मतलब स्टेशनरी वेव में वो पॉइंट जहां एम्पलीट्यूड जीरो, नोट का मतलब म्यूजिकल की जो नोटेशंस होती हैं, म्यूजिकल इंटरवल को नोट बोलते हैं, म्यूजिक की लाइन में हम एक म्यूजिक को नोट्स, नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नोट बोलते हैं, एक वर्ड है, अगर म्यूजिक निकल रहा है तो म्यूजिक के नोट्स निकल रहे हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ अ नोट यानी कि म्यूजिक या कोई भी साउंड एमिटेड बाय अ सोर्स चेंजेस बाय 20% एज इट अप्रोचेज एन ऑब्जर्वर। तो अगर कोई ट्रेन मेरे पास आ रही है, अप्रोच कर रही है स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो मेरे को उसकी फ्रीक्वेंसी 20% चेंज ऑब्जर्व होती है, ज्यादा की कम, ज्यादा, जब सायरन या ट्रेन मेरे पास आएगी तो इससे क्या होगा, उससे जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा सुनाई देगी। सो एज इट रिसीड्स अवे फ्रॉम हिम, जैसे वो दूर जाएगी तो द अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल डिफर फ्रॉम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बाय व्हाट, तो कितने परसेंट फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, 20% सेम, सबसे पहली चीज व्हीकल की स्पीड क्या है मुझे मालूम नहीं। अगर कोई भी व्हीकल, मान लो मैं यहां खड़ा हुआ हूं और कोई व्हीकल दूर जा रही है मुझसे और मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही है न्यू डैश और एक्चुअल कितनी है न्यू, तो मुझे निकालना है कि बेसिकली मुझे निकालना है कि अब फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई दे रही थी, मुझे निकालना है न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन एक्चुअल न्यू इंटू वन। ये चीज समझ आ रही है कि मेरे को निकालना क्या है, कि जब कोई सोर्स मुझसे दूर जा रहा है तो परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये चीज क्लियर है कि, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, मेरे को एक वैल्यू नहीं पता
VS, क्योंकि मैं न्यू डैश की वैल्यू तो निकाल सकता हूं, न्यू डैश की वैल्यू होती है V अपॉन V माइनस वी एस इंटू प्लस इंटू न्यू, जब कोई सोर्स पास आ रहा है तो डिनोमिनेटर में प्लस होता है और जब दूर जा रहा है सॉरी जब दूर जा रहा है तो प्लस होता है, जब पास आ रहा है तो माइनस वी एस होता है, हमने लास्ट टाइम केस किए थे ऐसे ना, ना मैं केस डिस्कस करूँ जो दूर जा रहा है, जो निकालना है, पास वाला एग्जाम्पल अभी करूंगा मैं, ठीक है यहाँ तक। तो जब अगर दूर जा रहा है तो मैं ये न्यू डैश का फॉर्मूला लगाऊंगा और न्यू डैश को मैं यहाँ पुट कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा प्रोवाइडेड मेरे को क्या गिवन हो, यानी कि व्हीकल की स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब व्हीकल की स्पीड के लिए मैं केस सॉल्व करूंगा जब व्हीकल मेरे पास आ रहा है। अब देखो जब व्हीकल पास आ रहा था विद अ वेलोसिटी ऑफ वी एस तो मेरे को फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दी, लेट से न्यू डबल डैश जितनी भी है इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू, ठीक है ना यहां तक। और क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है मेरे को कितनी सुनाई दे रही है, 20% ज्यादा, 20% ज्यादा मीन्स 120 अपॉन 100 इंटू न्यू, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, इक्वेट कर लिया फिर बोल रहा हूं यहां तक, तो वैल्यू पुट कर ली, यहां से न्यू क्या हो जाएगा कैंसल और किसकी वैल्यू आ जाएगी, व्हीकल की स्पीड की, देखो इधर क्या हुआ, इसमें न्यू डैश की वैल्यू मैंने बता दिया वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू न्यू, न्यू डैश की वैल्यू मैंने आपको बता दी कितनी 120 अपॉन न्यू इंटू 100, ये भी क्लियर है। न्यू डैश की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पुट कर दो, यहां पुट कर देते हैं, तो जब पुट करोगे तो न्यू और न्यू कैंसल, यहां से सॉल्व करने के बाद वी एस की वैल्यू आ जाएगी वी बाय 6, तो व्हीकल की जो स्पीड है साउंड की स्पीड से 1/6, याद है क्लियर है ठीक। नेक्स्ट है मैं इसमें क्या करूंगा, वी एस की वैल्यू आ गई, अब जब सोर्स इज गोइंग अवे तो न्यू डबल डैश जो मुझे को फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी दैट विल बी इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस वी एस इंटू न्यू, और वी एस की जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, वी डिवाइडेड बाय 6, ये भी क्लियर है यहां तक, अभी हमने निकाला। यहां से सॉल्व करके आपके पास न्यू डबल डैश और न्यू की वैल्यू रेशियो आ गई 6/7, पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो अगर मैं न्यू डबल डैश अपॉन न्यू की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास ये आंसर आ गया, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है न्यू माइनस न्यू डबल डैश की एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी थी अब जो फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय न्यू, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है इनटू 100, तो मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 1 माइनस न्यू डबल डैश अपॉन न्यू इनटू क्या करेंगे 100, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इसकी रेशियो चाहिए और इसकी रेशियो तो मैं निकाल चुका हूं, यहां पुट कर लेना आंसर आ जाएगा, मेथड क्लियर है। एक बार व्हीकल पास आ रहा है तो उस केस में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, एक बार दूर जा रहा है तो उसके फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, यहां तक क्लियर है ठीक है ना यहां तक।
हाँ जी, कितना आंसर आया? सबसे पहली चीज इस डायग्राम में सबसे पहले क्या करना है कि अगर कोई व्हीकल यहां से यहां मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, ये डायमेंशंस आपको गिवन है और ऑब्जर्वर स्ट्रेट लाइन में नहीं गिवन, ऑब्जर्वर स्ट्रेट लाइन में नहीं है, लेकिन हमने जितना डॉपलर इफेक्ट किया ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों स्ट्रेट लाइन में थे। ये क्वेश्चन पूछा था ना आपने, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है आपने 100/3 इनटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है आता? तो यू हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी किस तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ, और ऑब्जर्वर की तरफ कंपोनेंट क्या आया 100/3 कॉस थीटा, इसको आप वीएस मानोगे, दिस इज इक्वल टू वीएस। कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकल सकती है 100/3 इंटू 3/5, ठीक, तो यहां से वीएस की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है यहां तक? बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है कि व्हेन ऑब्जर्वर या जब सोर्स पास आएगा ऑब्जर्वर के तो फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, वी अपॉन वी माइनस वीएस इंटू न्यू, और वीएस की जगह आपने क्या पुट करना है यहां पर 20, बाकी सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। यानी कि आज के बाद अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है ऑब्जर्वर एंड सोर्स, तो आपको सोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, एक लास्ट इसी के ऊपर जो आया हुआ क्वेश्चन ध्यान से देखना। सपोज इधर देखो एक सायरन है और सायरन सर्कल में बज रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं और साउंड जनरेट कर रहा है, ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है, बताओ ये चार पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहां होगी, बस आपको ये बता दें ए पे बी पे सी पे के डी पे। बी पे मैक्सिमम होगी, और एक और चीज, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, हर पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है वी, अब बोलो सेम होगी? जो ऑब्जर्वर को सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी न्यू ही सुनेगी, चाहे जहां मर्जी ले लो, से देखना, इधर देखो प्लीज। अभी हमने एक चीज डिसाइड की कि हमने जो डॉपलर्स अफेक्ट किया, इधर देखो प्लीज, जो हमने डॉपलर्स अफेक्ट किया वो एक स्ट्रेट लाइन में किया, इसमें कोई प्रॉब्लम? सपोज कोई बॉडी अगर यहां पर है तो मैं क्या करूंगा, इसे ज्वाइन करूंगा ऑब्वियसली, और जब मैं ज्वाइन करूंगा तो यहां पर लेट से ये एंगल कितने थीटा, तो मैं क्या करूंगा यहां पर वेलोसिटी को कॉम्पोनेंट ही लूंगा ना, कितना वी कॉस थीटा, ठीक है ना यहां तक? और मोर ओवर यहां पर तो थीटा की वैल्यू ही कितनी लेनी पड़ेगी मेरे को, जीरो, मान लो ये अगर एक्सिस है तो थीटा जीरो, तो यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर मैक्सिमम है जो भी है, वी की वैल्यू आ गई। अब इमेजिन करो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैं थीटा को कितना लूंगा यहां पर कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाए 90, देखो ना इसके साथ अगर ये 90 हो जाए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे नहीं हो जाएगी, पूरा का पूरा रोटेट करना है ना वेलोसिटी को। इमेजिन करो ये वेलोसिटी जब नीचे हो गई तो एंगल कितना कवर कर लिया वेलोसिटी ने 90, ठीक है ना यहां तक? यानी कि इस पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट एंगल चेंज 90 हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ कि एक ऑब्जर्वर है और एक ये वेलोसिटी है, ये पॉइंट है, और अगर ये पॉइंट है तो इसका और इसका एंगल इस विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा 90, जैसे कि आपने बताया। अगर तो ये वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती तो ठीक है, हम अपना नॉर्मल डॉपलर इफेक्ट लगा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां पर जो कंपोनेंट मैं इस तरफ लूंगा जो कि मैंने बताया आपको, तब क्या कंपोनेंट लोगे, v cos 90 क्या आएगा, जीरो। तो जब v cos 90 जीरो, यानी कि जो सोर्स है उसका कंपोनेंट इस तरफ जीरो, तो डॉपलर इफेक्ट कहां से आएगा, आएगा ही नहीं, तो डी पॉइंट पर देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? डी पॉइंट पर और बी पॉइंट पर दोनों पर डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, क्यों?
क्योंकि जब इसका कंपोनेंट लिया जाएगा इसका कंपोनेंट, तो दिस विल बी इक्वल टू वी कॉस 90 जो कि यहाँ पर जीरो आएगा। जब सोर्स ही नहीं मूव कर रहा तो डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू व्हाट न्यू। पहला पॉइंट क्लियर है, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, और यहाँ पर ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि v cos ऑफ क्या लेना पड़ेगा मुझे, जीरो। cos जीरो क्या होता है, मैक्सिमम वन, वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है। और यहाँ पर वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज कर ली, यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, यहाँ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर मैक्सिमम होगी यहाँ पर। चार पॉइंट्स के बीच में, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी